वहीं छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी के बीच प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई को राज्य शासन के कामकाज में हस्तक्षेप और गैर कानूनी बताते हुए सड़कों पर कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी के गांधी मैदान में प्रदर्शन के दौरान पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री बघेल की प्रसिद्धि को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। हमने उपचुनाव जीता, नगरीय निकाय चुनाव जीता, पंचायत चुनाव जीता, आज भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है, इसीलिए डर के मारे हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही। जबकि जब भी रेड पड़े हैं हमने कभी विरोध नहीं किया। पहले डीजीपी को, सीएस को, उसके साथ साथ उस जिले के पुलिस अधीक्षक को बताया जाता है। अभी पहली बार ऐसा हुआ है पूरे प्रदेश में हाहाकार मची हुई है। बिना सूचना दिए सीआरपीएफ के जवानों के साथ यहां छापे मारे जा रहे हैं, जबकि हमारे नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं, अधिकारियों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपके मंसूबे पूरा नहीं होंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं है। और अब खबर कसरावत से है, जहां पर मंडी पर